हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा जिसे हिंदी में दमा कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, जिसमें कि हमने सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, गिफ्टेड चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड, एपिलेप्सी और भी बहुत सारी वीडियो हमने कवर कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स जानेंगे कि कितने टाइप्स के अस्थमा होते हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग अस्थमा के, फिर हम लोग कॉजेज देखेंगे यानी इसका कारण क्या हो सकता है, हम लोग उसके सिम्टम्स जानेंगे यानी उसके लक्षण जानेंगे, और हम लोग उसके प्रिवेंशन जानेंगे या ट्रीटमेंट या हम क्योर भी कह सकते हैं, ये आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा जो है एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में उसे तकलीफ हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उनको उनकी जो नाक की जो नली होती है वो नैरो हो जाती है, तो वहाँ पर हवा जो है आना जाना बंद हो जाता है, अच्छे तरीके से नहीं पास हो पाता है, तो उसके कारण सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, अस्थमा कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। अस्थमा कई कई बार बहुत छोटे अटैक्स आते हैं इसमें, लेकिन कई कई बार इसमें जानलेवा दौरे भी पड़ सकते हैं। इसीलिए अस्थमा के जो भी लक्षण है, सिम्टम्स आने पे हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अस्थमा अटैक्स ऑल द एज ग्रुप बट ऑफन स्टार्ट इन चाइल्डहुड, यानी अक्सर देखा गया है कि चाइल्डहुड यानी कम उम्र के बच्चों में इसके सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, जो अस्थमा है वो किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है। अब हम आगे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डिक्शनरी, अस्थमा इज अ चेस्ट डिसीज इन विच ब्रीथिंग कैन बिकम डिफिकल्ट, ऑफन कॉज्ड बाय एन एलर्जिक रिएक्शन। तो अमेरिकन डिक्शनरी का अस्थमा के बारे में क्या कहना है कि अस्थमा है ये एक तरीके की चेस्ट डिसीज़ है, जिसमें कि ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन था, और आप इसमें और भी एक दो डेफिनेशन चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, किसका, अस्थमा का हम लोग क्लासिफिकेशन आगे देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा, सेकंड है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, और थर्ड है सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। ये तीनों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट को बहुत ही माइल्ड इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और जो पेशेंट है उसको हो सकता है कि जो अस्थमा के जो अटैक्स हैं वो पर वीक यानी एक हफ्ते में एक या दो बार आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत माइल्ड इसके सिम्टम्स होते हैं, यानी बहुत हल्के सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं। सेकंड है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स विल बी वंस ईच अ डे और मोस्ट डेज, यानी एक दिन में इनको अस्थमा के अटैक्स आते हैं, यानी डेली इनको अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं, ठीक है, या तो ज़्यादा करके हफ्ते में ज़्यादा दिन मतलब मोस्ट डेज इनको अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं। लास्ट है सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। तो इसमें क्या होता है, जो सिम्टम्स हैं वो एक दिन में कई बार आ सकते हैं, ठीक है। इट विल अकर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और डेली इनको अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं।
तो ये क्या होता है, सिवियर परसिस्टेंट, यानी ये थोड़ा गंभीर होता है। यहाँ पे जो पेशेंट है उसको बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे देख लेते हैं टाइप्स, यानी अस्थमा के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, अस्थमा के हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। अस्थमा के कुछ टाइप्स के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में। एलर्जिक अस्थमा क्या होता है कि कई पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ से अगर कोई एलर्जी है तो ऐसे में उन्हें अस्थमा के अटैक्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कई पेशेंट होते हैं उनको धूल, पॉल्यूशन, डस्ट या स्मोक के कारण भी अगर उनको एलर्जी है तो ऐसे में उन्हें अस्थमा के अटैक्स पड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इट डेवलप एलर्जिक व्हेन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एन एलर्जन। यानी कि अगर किसी पेशेंट को किसी भी चीज़ से, जैसे कि अगर डस्ट से या फिर और भी बहुत सारे टाइप्स चीज़ें हैं जिससे अगर पेशेंट को एलर्जी है तो ऐसे में उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है, यानी वो उसके अंदर झेलने की उसको शक्ति नहीं रहती, उनकी इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून पावर जो होता है वो उतना मजबूत नहीं रहता है, तो ऐसे में उनको अटैक्स आ सकते हैं। इसे ही एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। आगे हम देखते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा। सेकेंड है नॉन एलर्जिक अस्थमा, यानी इस कंडीशन में पेशेंट को किसी एलर्जी के कारण अटैक्स नहीं पड़ते हैं, बल्कि इसका जो कारण है वो पर्टिकुलर जो कारण है वो पता नहीं लगाया जा सकता है। इट ऑफन डेवलप्स लेटर इन लाइफ, यानी कि बड़े उम्र के इंसानों को भी ये वाले इसके जो सिम्टम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा सिवियर, यानी कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकती है इसमें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं थर्ड है सीजनल अस्थमा। इसमें क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं उनको सीज़न के हिसाब से, यानी हो सकता है कि उनको बहुत ठंडी के सीज़न में उनको अस्थमा के अटैक्स पड़े, या तो कोई एक पर्टिकुलर सीज़न में उनको अटैक्स पड़ने की आशंका हो सकती है। इसे ही सीजनल अस्थमा कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो अस्थमा है उसके लक्षण चाइल्डहुड में ही नज़र आ जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि जो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है इसके कंडीशन में क्या होता है कि एडल्ट्स को भी कई कई बार अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं नज़र आते हैं। तो इसका मोस्टली कारण क्या हो सकता है, स्मोकिंग करना, ओबेसिटी, फीमेल हार्मोन, स्ट्रेसफुल लाइफ, इसके कारण क्या होता है कि एडल्ट्स यानी बड़े हो जाने के बावजूद भी हो सकता है कि किसी को अस्थमा के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा से क्या होता है कि कई पीपल्स जो होते हैं वो अगर काम करने बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हो सकता है कि उनके जो सिम्टम्स हैं वहाँ पे नज़र आए। जैसे कि कई पीपल्स होते हैं उनको कई तरह की एलर्जी हो सकती है, जैसे कि अगर वो काम करने जा रहे हैं, कोई क्लीनिंग वाला वर्क करते हैं कहीं बाहर जाके, तो उनको क्लीन से यानी डस्ट से अगर किसी प्रकार की एलर्जी है तो हो सकता है कि उन्हें वहाँ पे इस तरह की दिक्कत आए, यानी अस्थमा की जो है सिम्टम्स नज़र आए, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, जहाँ पे जो पीपल्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं वो कोई वर्क करने जाते हैं अगर, तो उनको अपने वर्क से किसी प्रकार की एलर्जी है, जैसे कि अगर कोई क्लीनिंग का जो वर्क करते हैं वहाँ पे उनको अगर डस्ट से कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये वाले अटैक्स पड़ सकते हैं जिसे अस्थमा अटैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट है हमारा सीवियर अस्थमा। सीवियर अस्थमा से क्या मतलब है कि ये बहुत ही गंभीर होता है, यहाँ पे जो है पेशेंट है उसके जान भी जा सकती है, यानी ये बहुत ज़्यादा ही एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जहाँ पे पेशेंट को संभल के रहना होता है, ट्रीटमेंट लेना होता है। ठीक है,
तो ये सभी थे इसके टाइप्स, और भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कॉजेज, यानी इसका कारण क्या हो सकता है, अस्थमा किस कारण से हो सकते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक्स, यानी हो सकता है कि अगर फैमिली में अगर उनके पेरेंट्स को ये दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, तो बच्चे में भी ये दिक्कत आ सकती है। सेकंड है एलर्जीज, कई सारे एलर्जीज के कारण भी अस्थमा अटैक्स हो सकते हैं। थर्ड है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी अटैक्स हो सकते हैं। फोर्थ है एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण से भी रिलेटेड हो सकता है, आसपास के जो माहौल है उसके कारण भी जो है ऐसी दिक्कत आ सकती है। और फिफ्थ है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के कारण भी हो सकता है कि अस्थमा के अटैक्स पड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं सिम्टम्स, यानी इसके लक्षण क्या हैं। फर्स्ट है कफ, यानी बलगम, कफ जिसे हम हिंदी में बलगम कहेंगे। ठीक है, सेकंड है विसलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग, यानी कि अगर सांस लेने में किसी प्रकार के विसल यानी सीटी बजने की जैसी अगर साउंड आती है तो वो भी इसके लक्षण हैं। थर्ड है स्वॉलन एयरवेज, यानी कि अगर जो लंग्स है या तो जो हमारे जो नलियां हैं नाक की, ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार की सूजन। फोर्थ है म्यूकस यानी कि म्यूकस वैसे तो बलगम नहीं, इसके ज़्यादा लक्षण में नहीं आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस जो है बनता है तो वो भी इसका एक लक्षण हो सकता है। फिफ्थ है फैटिग, यानी किसी प्रकार के चक्कर आना, ठीक है, सर भारी लगना, चक्कर आना, ठीक है। सिक्स्थ है डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, यानी बात करने में दिक्कत हो सकती है। सेवेंथ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन, किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। फर्स्ट है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से कई हद तक इसमें सुधार किया जा सकता है। सेकंड है क्विटिंग स्मोकिंग, यानी अगर स्मोक करना छोड़ दिया जाए तो इसमें कई हद तक इसमें सुधार किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थर्ड है ईट हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट लेने से, न्यूट्रिशियस फूड लेने से भी इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। फोर्थ है मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल लाइफ से, जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्रेसफुल लाइफ से भी अस्थमा के अटैक्स पर जो है पड़ सकते हैं, इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करके भी इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एक्सरसाइज, अगर डेली हम एक्सरसाइज करें तो भी वो कई हद तक अस्थमा अटैक्स को रोकने में जो है हेल्पफुल होता है। उसके बाद है मेडिकेशन, कई सारे जो है मेडिसिन उपलब्ध हैं जिसको लेने से जो है इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। उसके बाद है रिड्यूस एक्सपोजर टू एलर्जन, यानी जो एलर्जेंस है, जैसे कि कई लोगों को धूल से, मिट्टी से और स्मोक से, सिगरेट से अगर एलर्जी है तो ऐसे में उससे बचाव करना अपना एक तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं अस्थमा के लिए। ठीक है, आगे है एलर्जन शॉट्स, तो एलर्जन शॉट्स क्या है, एक तरीके की ट्रीटमेंट है जिससे कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है, इम्यून सिस्टम की पावर को बढ़ाया जा सकता है, तो जिससे अस्थमा अटैक्स जो हैं उसके आने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, इसके प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम, बचाव के तरीके। ठीक है, तो ये सभी आज हमने अपने इस वीडियो में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मुझे और भी वीडियोस, बीएड रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।